कई लोगों को अगर हम बोलें कि यार बुक्स पढ़ने से आइडियाज आते हैं, अब ये बिजनेसमैन के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है बल्कि ये नेसेसिटी बन चुकी है, मगर कई लोग अपनी सोच में इतने एडमेंट होते हैं कि वो बोलेंगे यार हमारे दादा परदादा ना इसी तरीके से बिजनेस करते थे, या फिर मैंने तो MBA की हुई है, मुझे ये सब पता है, मुझे मत बता। तो इससे पहले कि मैं आपको इस साल की टॉप बिजनेस बुक्स के बारे में बताऊं, हम एक दो केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली केस स्टडी आती है कोडैक की। आई होप आपने ये नाम सुना होगा। 1976 में अमेरिका में जितनी भी कैमरा और कैमरा फिल्म्स की सेल हुई थी उसकी ऑलमोस्ट 90% सेल्स कोडैक ने की थी। जस्ट इमेजिन 90%। हम सोचेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी तो कभी फेल हो ही नहीं सकती, लेकिन 2012 में कोडैक ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, यानी इसका दिवालिया हो गया था। अब मेन लर्निंग हमारे लिए ये है कि ऐसा हुआ क्यों। जब रील वाले कैमरा से डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी आ रही थी तो कोडैक ने बोला वी आर टू बिग टू फेल। 1975 में स्टीव सेसन नाम के एक कोडैक इंजीनियर ने मैनेजमेंट से बिना रील के कैमरास को बनाने की बात की थी, क्योंकि उस टाइम डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन कोडैक ने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। और कोडैक जो 90% मार्केट को कैमरास बेचता था, बहुत ही जल्दी कैनन, फ्यूजी और सोनी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो लेसन नंबर 1 है, यू आर नॉट टू बिग टू फेल। शायद कई लोगों ने जनरल मोटर्स का नाम सुना होगा। इसका रेवेन्यू अपने टाइम में कई कंट्रीज के GDP के बराबर था। ये स्टेटस अचीव करने के लिए इसे 107 साल लगे थे, लेकिन आज एक कंपनी है जो जनरल मोटर्स, फोर्ड और होंडा तीनों से आगे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी कार्स बनाती ही नहीं, बस सॉफ्टवेयर ही बनाती है, लेकिन फिर भी इस कंपनी की मार्केट इवैल्यूएशन इन तीनों कार कंपनी से ज्यादा है। आई होप आप इस कंपनी का नाम जान गए होंगे, और ये है उबर। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक 50 MB की एप्लीकेशन इन तीनों कंपनी से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो लेसन नंबर 2 है, एक छोटे से कमरे में बैठे कुछ इंजीनियर्स आपके मेगा बिल्डिंग में बैठे 10,000 इम्प्लॉइज के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल्स अगर किसी देसी बंदे को दो तो वो कहता है यार इंडिया में ऐसा नहीं होता, या फिर लोकल बिजनेस में ये नहीं चलता। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि कोडैक और जनरल मोटर्स दोनों इंडिया में भी बिजनेस कर रहे थे, तो इंडिया में तो ऐसा हुआ। और दूसरा सवाल कि लोकल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इसके लिए मैं आपको एक लोकल बिजनेस की केस स्टडी बताता हूँ। पहले जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर एक छोटी सी सुपरमार्केट टाइप 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसकी ऑलमोस्ट अपने एरिया में मोनोपोली थी। यही लोग मैक्सिमम बिजनेस करते थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि ये जितने फ्लोर्स इंक्रीज करते रहेंगे इनका बिजनेस भी उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे, ये वही पुरानी थिंकिंग है। अब इस बिजनेस के जस्ट ऑपोजिट एक फ्लोर का बिजनेस खुला जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स देता है। अब इसका ओनर थोड़ा यंग था, तो इसने क्या किया कि मेंबरशिप कार्ड्स कस्टमर के लिए बनवाना स्टार्ट कर दिया। एक कार्ड 1,000 रुपए में बनवाओ और आपको अगले 1 साल तक हर प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर हम मैच करें तो अपने 1,000 रुपए वापस निकलवाने के लिए हमें 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 रुपए का सामान इनसे खरीदना पड़ेगा। और इनका मेन गोल सिर्फ यही था कि परमानेंट कस्टमर बनाओ। जब भी मैं इनकी शॉप में जाता था तो ये यही कहते थे कि सर आपने 2,000 का सामान लिया है, आपके 200 रुपए बच सकते हैं अगर आप हमारा मेंबरशिप कार्ड बनवा लोगे, या फिर सर आपने 2,500 रुपए का सामान लिया है, आपके इस पर 250 रुपए बच सकते हैं, तो इसलिए अपना मेंबरशिप कार्ड बनवा लीजिए। इन्होंने मुझे ये इतनी बार कह दिया कि मुझे ये कार्ड फाइनली बनवाना ही पड़ा। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि जब भी मैं उस मार्केट में जाता हूँ मुझे वो दोनों शॉप्स दिखाई देती हैं, लेफ्ट साइड में वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग और राइट साइड में 1 फ्लोर की वो शॉप। गेस मैं कहाँ पे जाता हूँ? एग्जैक्टली मैं उस 1 फ्लोर की शॉप में ही जाता हूँ। अब ऐसा इसलिए हुआ कि वो ओनर मार्केटिंग में अच्छा है, नई नई टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से वाकिफ है कि उसे क्या करना है। वो खुद को एजुकेट करता रहता है और टेक्निक्स चेंज करता रहता है, लेकिन वो दूसरी शॉप के ओनर अभी भी पुरानी टेक्निक्स में विश्वास करते हैं। इस बार भी होली में उन्होंने अपनी वाइफ को बैठाया हुआ था और स्टाफ की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी, जबकि वो दूसरी 1 फ्लोर की शॉप बंद थी, क्योंकि उसके ओनर को पता है कि अगले 1 साल तक हम कहीं नहीं जा सकते और उसके बाद तो वैसे भी हमारी हैबिट ही बन जाएगी। इन शॉर्ट लेसन ये है, बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज कॉन्स्टेंट है और वो है चेंज। अगर आप चेंज के लिए रेडी हो तो बिजनेस में बहुत रिवॉर्ड है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें क्या पता क्या चल रहा है लेटेस्ट मार्केटिंग में और अपडेट कैसे रहें। सबसे आसान तरीका किसी भी स्किल में अच्छा होने का यही है कि उस चीज में जो सबसे अच्छा है उसे हम ये चीजें सीखें। लेकिन अब नेक्स्ट ऑब्वियस सवाल आता है कि अगर कोई जेन्युइनली किसी चीज में अच्छा है तो वो तो वैसे भी बहुत अमीर होगा और बिजी होगा, उसके पास हमारे लिए इतना टाइम कहाँ होगा। और ये भी सच है, लेकिन लकीली इनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने करियर में अपनी स्किल्स और अपने लाइफ के बारे में बुक्स लिखी होती है। खुद के एक्सपेरिमेंट से सीखने के बजाय अगर हम इनकी बुक से पढ़ें तो ये हमारे बहुत साल बचा सकती है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम खुद कर लेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो एक फेमस कहावत है ना, अगर सर मार मार के रास्ता बनाना ही है तो फिर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत है, क्योंकि रास्ता तो कहीं और है। एनीवेज जो इस आइडियाज को समझते हैं कि हमारा एजुकेशन बजट
हमारे एंटरटेनमेंट बजट से ज्यादा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर अपने आप आएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। निकोलस टेस्ला जिन्होंने इतनी इन्वेंशंस करी बहुत ही गरीबी में मरे, इसलिए नहीं कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनको मार्केटिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की, खास करके इंटरनेट मार्केटिंग की। अगर हमें अपनी ये स्किल इम्प्रूव करनी है तो हमें इस फील्ड के टॉप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। डोंट वरी, मैंने कुछ टॉप लोग ढूंढे हैं जिनमें है फ्रैंकन, रसल ब्रंसन और जेफ वॉकर। ये तीनों अभी इंटरनेट बिजनेस में सबसे आगे हैं। रसल ब्रंसन की खुद की कंपनी है क्लिकफनल्स, जिसकी मार्केट इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के बराबर है। फ्रैंकन की कंपनी है फ्रैंकन इंक, जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। जेफ वॉकर फेमस है अपने प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूले के लिए। ये तीनों हर साल करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब ये लोग तो हमें अपनी बिजनेस टेक्निक्स बताएंगे नहीं, लेकिन लकीली इन तीनों ने फेमस बुक्स लिखी है, जैसे कि द लॉन्च लिखी है जेफ वॉकर ने, .com सीक्रेट्स लिखी है रसल ब्रंसन ने और कन्वर्ट 2.0 लिखी है फ्रैंक कर्न ने। अब इन बुक्स में बहुत वैल्यू है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये तीनों बुक्स पढ़ने के लिए रेकमेंड करूंगा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ये तीनों तो फॉरनर्स हैं, इनकी ये टेक्निक्स यहाँ थोड़ा चलेंगी। तो इसका मेरे पास जवाब ये है कि ये सारी साइकोलॉजी पर बेस्ड है जो थ्रू आउट वर्ल्ड सेम है। अब ऑब्वियसली इंडिया में इंडिया से ज्यादा फॉरेन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हमारे जूतों से लेकर टूथपेस्ट तक। और दूसरी बात कि जो हम आजकल बिजनेस गुरुज इंडिया में देख रहे हैं, जो कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, ये सब फॉरेनर्स की बुक्स और कोर्सेज के ऑफशूट्स हैं। अब इन कोर्सेज के लिए हम लोग 20,000 से 30,000 भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। एनीवेज, जब मैंने इन लोगों को स्टडी किया तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन लोगों के गुरुज कौन है, इन्होंने किससे सीखा। काफी रिसर्च के बाद तीन नाम और सामने आए, क्लॉर्सी हॉपकिंस, डेविड और जिल्वी और डैन कैनेडी। अब ये तीनों लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर एक मार्केटर, सीरियस बिजनेस ओनर इन तीनों का काम स्टडी करता है। ओके, तो मैं इन तीनों लोगों को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर आपने पेप्सोडेंट, क्वेकर ओट्स, जॉनसन एंड जॉनसन, पियर सोप, श्लिट्स बियर या पामोलिव का नाम सुना है, तो इन सब के बिजनेस को खड़ा करने के पीछे क्लॉर्सी हॉपकिंस का बहुत बड़ा हाथ है। हॉपकिंस ने ही इन सब प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करी थी और पहली बार एक यूनिक फिलॉसफी क्रिएट करी, जिसे आज के सारे मार्केटर्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है डेविड और जिल्वी का, जिन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। इन्होंने डव, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, UPS, कोक जीरो और फिलिप्स जैसे ब्रांड को खड़ा किया। नेक्स्ट नाम है डैन कैनेडी का, जो कि मेरे ओपिनियन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्केटर है। आज जितने भी इंटरनेट गुरुज हैं, जैसे कि नील पटेल, डैन लॉक, रसल ब्रंसन, टोनी रॉबिन्स, सब इनके काम को रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल कि इन तीनों की फेमस बुक्स कौन सी हैं? तो क्लॉर्सी हॉपकिंस ने लिखी है माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग और साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग, डेविड ओजिल्वी ने लिखी है ओजिल्वी ऑन एडवर्टाइजिंग, और डैन कैनेडी की फेमस बुक है द अल्टीमेट सेल्स लेटर। और ये नेक्स्ट तीन सेट ऑफ बुक्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स एवरग्रीन्स हैं, यूजर की साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, इसलिए आज के मार्केटर्स भी इसे यूज करते हैं। अब कई लोगों का सवाल आता है कि मुझे बिजनेस में तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अभी मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो हम कहां से स्टार्ट करें? इन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि क्यों ना हम उसी बुक से स्टार्ट करें जिससे वॉरेन बफेट ने स्टार्ट किया था। आई होप हम सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर, जब 7 साल के थे तो उन्होंने लाइब्रेरी में एक बुक देखी थी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1,000 बाय FC मिनाकर, जिसमें $1,000 कमाने के 1000 तरीके थे। And very early, probably when I was 7 or so, I took this book out of the Benson Library called 1000 Ways to Make $1,000. ये बुक उन्होंने पढ़ी और उन्हें उसमें एक आइडिया मिला कि वो एक सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीद के एक बार्बर, एक नाई की शॉप में लगा सकते हैं। अब जब भी लोग वहाँ पर अपने बाल कटवाने के लिए वेट कर रहे होंगे, तो उनमें से कुछ लोग टाइम पास करने के लिए उस पिनबॉल मशीन में कॉइन्स डाल के गेम्स खेलेंगे। उससे जो टोटल मंथली इनकम होगी, उसका कुछ परसेंटेज उस शॉप वाले को दे सकते हैं और ऐसे मंथली इनकम क्रिएट कर सकते हैं बहुत कम काम करके। और वॉरेन बफेट ने ऐसा ही किया। जब एक पिनबॉल मशीन से कुछ पैसे जुड़ गए, तो उन्होंने एक और सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन ले ली और एक और बार्बर की शॉप में लगा दी, और इस तरह से उन्होंने अपना पहला बिजनेस क्रिएट किया। तो आई होप आप भी ये बुक पढ़ना चाहेंगे जो वॉरेन बफेट ने पढ़ी थी। नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊंगा जो एक बिलियनियर ने दूसरे बिलियनियर को गिफ्ट की थी, यानी वॉरेन बफेट ने बिल गेट्स को गिफ्ट की थी, क्योंकि ये बुक उन्हें बहुत पसंद आई थी। और इस बुक का नाम है बिजनेस एडवेंचर्स बाय जॉन ब्रुक्स, और बिल गेट्स बोलते हैं कि आज भी हम इस बुक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बफेट gave me a copy of Business Adventures, feeling like with our dialogue about trying to understand the world of business, that I'd enjoy it as much as he had. अब कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही कॉस्टली बुक्स हैं, ये हम कैसे खरीदेंगे? और अगर देखें तो ये थोड़ी कॉस्टली बुक्स हैं भी।
फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 2.0 है 350 रुपीज की, डॉट कॉम सीक्रेट्स है 948 रुपीज की, द लॉन्च बुक है 1096 रुपीज की, द अल्टीमेट सेल्स लेटर है 350 रुपीज की, माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग है 1479 रुपीज की, और जिल्वी ऑन एडवर्टाइजिंग है 1699 की, बिजनेस एडवेंचर्स है 403 की, और 1000 वेज टू मेक $1000 है 3249 रुपीज की। यानी ये 8 बुक्स की कॉस्ट 350 प्लस 948 प्लस 1096 प्लस 350 प्लस 1479 प्लस 1699 प्लस 403 प्लस 3249 इज इक्वल टू 9574 रुपीज है, यानी करीबन 10,000 रुपए। और ऑब्वियसली ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन माई ओपिनियन ये बिजनेसमैन के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहनी है, वरना 10,000 से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो ही जाएगा। चलो अगर हम रेडी भी हो जाते हैं इन बुक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में तो ये बुक्स अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि ये हिंदी में कभी ट्रांसलेट हुई ही नहीं, तो हम इनके आइडियाज को कैसे समझें। या फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि यार ये 8 बुक्स तो कम से कम 6,000 पेजेस की होंगी, तो इतने ज्यादा पेजेस कौन पढ़ेगा। वैसे तो जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट है उसके लिए इन्हें पढ़ना मूवीज देखने के बराबर है, बट आई स्टिल गॉट द पॉइंट। इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए कि ये कॉस्टली हैं, 10,000 रुपए के करीबन हैं, या फिर इंग्लिश में हैं, हिंदी में अवेलेबल नहीं हैं, या फिर ये करीबन 6,000 पेजेस के बराबर हैं, इन तीनों का एक सलूशन है, और वो है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गीगल ऐप की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिनमें ये सारी बुक्स काफी मेहनत से समराइज की हुई हैं, जिसे आप हिंदी में सुन सकते हैं कभी भी चलते चलते। गीगल ऐप में एक अलग से लिस्ट बनी हुई है बिजनेस सीक्रेट्स के नाम से, जिसमें ये सारी 8 बुक्स समरीज हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू तो 10,000 है, बट वर्थ बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बुक्स जिन लोगों ने लिखी है वो अपनी फील्ड के गुरु हैं। नेक्स्ट, मैंने एक बुक लिखी थी बिजनेस के ऊपर, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई भी बिजनेस की बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक्सेट्रा, या फिर पढ़ी तो है लेकिन इन सब बुक्स के आइडियाज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये एग्जीक्यूट होंगे कैसे। तो इस बुक में मैंने टॉप 20 बिजनेस बुक्स को कंबाइन किया है, ताकि एक थियोरी बिल्ड हो सके, जिसे हम हर 3-4 महीने में एक बार सुन सकते हैं। ये बुक्स अप्रोक्सीमेटली 2 hours के आसपास हैं, जो बेसिकली एक कोर्स ही है। और अगर आपने कभी ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट किया है तो ऐसे कोर्सेज कम से कम 4,000 to 5,000 रुपए के होते हैं। इसके अलावा इस बुक लिस्ट में मैंने 80-20 प्रिंसिपल्स और 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग भी डाली है, जो कि फाइनल 2 बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ। तो फाइनली हमने इस वीडियो में वो बेस्ट बुक्स देखी जो जेन्युइनली हमारे 4-5 साल गलतियों के बचा सकती है। वैसे तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये बुक्स खरीदें और इन्हें पूरी पढ़ें, लेकिन अगर आपको कॉस्ट की, लैंग्वेज की या टाइम की प्रॉब्लम है तो आप गीगल समरीज की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कन्वर्ट 2.0, डॉट कॉम सीक्रेट्स, द लॉन्च, द अल्टीमेट सेल्स लेटर, माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग और जिल्वी ऑन एडवर्टाइजिंग, बिजनेस एडवेंचर्स, 1000 वेज टू मेक $1000, 80-20 प्रिंसिपल, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग, और जो बुक एक मैंने लिखी है। इसके अलावा हर महीने हम कम से कम 8 to 15 बुक्स इस एप्लीकेशन में ऐड करते रहेंगे। अभी इस एप्लीकेशन में 200 के करीब बुक समरीज हैं। अगर आप ये सारी बुक्स मार्केट से खरीदोगे तो ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट बनेगी, करीबन 50,000 to 60,000 रुपए के करीब। लेकिन गीगल सब्सक्रिप्शन में इन बुक्स की समरीज आपको 1147 फॉर 365 डेज, यानी 3 रुपए पर डे के हिसाब से मिल सकती है। और फाइनली अगर आप आज यानी 22 मार्च 2020 को गीगल की कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो पहले 100 लोगों को 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप सेव 50 प्रमोशनल कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही दिन के लिए वैलिड है, कल आप इसे अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो किसी और दिन देख रहे हैं तो भी आप प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये वर्थ है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी, एंड आई अगेन होप कि आप अपना एजुकेशन बजट अपने एंटरटेनमेंट बजट से ज्यादा रखें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।